वेलकम फ्रेंड्स, अजय देवगन और रघु रुप्रीत सिंह स्टारर फिल्म दीदी प्यार दे की रिलीज एक बार फिर से टल गई है। इस फिल्म के लिए अब अजय देवगन और रघु रुप्रीत सिंह के फैंस को मई तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि अब ये फिल्म 15 मार्च को रिलीज नहीं हो रही है। सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी सुपरहिट फिल्म से सुर्खियों में आए फिल्म मेकर लव रंजन की ये फिल्म दीदी प्यार दे पिछले साल से ही काफी चर्चा में है। इसकी शूटिंग मुंबई, मनाली और लंदन में हुई थी। पहले इस फिल्म को पिछले साल दशहरे के मौके पर ही रिलीज करने की बातें हो रही थी, लेकिन प्रोडक्शन के काम में देरी के बाद इसे अप्रैल 2019 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद इसकी रिलीज 15 मार्च 2019 रखी गई थी, लेकिन तारीख एक बार फिर से टल गई है। अब दीदी प्यार दे फिल्म को 17 मई को रिलीज किया जाएगा। इस बार रिलीज टलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका क्लैश अजय देवगन की ही दूसरी फिल्म टोटल धमाल से न हो, जो कि 22 फरवरी को रिलीज हो रही है। दीदी प्यार दे अगर 15 मार्च को रिलीज होती तो ये टोटल धमाल से सिर्फ 20 दिन बाद आती। दोनों ही फिल्मों के बिजनेस के लिए ये सही नहीं होता और इनके प्रमोशन मार्केटिंग में भी दिक्कतें आती। अजय देवगन फिल्म दीदी प्यार दे के जरिए रोमांटिक कॉमेडी जोनर में 8 साल बाद वापसी कर रहे हैं। इससे पहले वो मधुर भंडारकर की दिल तो बच्चा है जी में नजर आए थे। फिल्म दीदी प्यार दे की कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें अजय देवगन को अपने से काफी कम उम्र की लड़की रकुल प्रीत से प्यार हो जाता है और इसी के इर्द गिर्द काफी दिलचस्प तरीके से इस फिल्म का ताना बाना बुना गया है। इस फिल्म में तब्बू और जिमी शेरगिल भी प्रमुख भूमिकाओं में है। फ्रेंड्स, फिल्म दीदी प्यार दे को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं और इस फिल्म की रिलीज टलने पर आपका क्या कहना है, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।